परम सत्कार्य और पत्र सत्कार सहमान थोड़ा स्वागत है सारिया का। मैं लगातार पिंडा दे विच शहर दे विच अपने पंजाब दे लोकां दे विच घूम रहा, जो मैनु फीडबैक मिलती है, जो लोग मैं दसते हैं जिस तरीके दियां मुश्किलां लोकां दे सामने आ रही है वो मैनु पता लग रही है। ते मैं एक एक मुश्किल का हल करने वचनबद्ध है, करनी है। इन्होंने मुश्किलों के एक बहुत बड़ी मुश्किल है पंजाब के लोगों बिजली के बिलों की। सो असी उस दे विच काफ़ी राहत देना चाहते हैं। जिहड़ियां एक दो किस्तों के असी बार बार मीटिंग करके डिस्कस करके ये राहत देवे। सब तो बड़ी जिहड़ी समस्या मैं पिंडा दे शहरां दे विच आके देखी है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के बिल ज्यादा आने करके वह जमा नहीं करा पाए तो उन्होंने मीटर कट गए। हुण अज के जमाने दे विच बिना बिजली के रह रहे हैं कुछ बंदे जिन्हें मेरे दिल में बहुत कुंभिया। मैनू दुख होया इस चीज़ का कि बिजली का मीटर कटिया होया है ते ओ लोग बिना बिजली तो रह रहे। जो सरकारी फिगर मैं दी गई है 55,000 तो 1,00,000 के बीच लोगों के घर के बिजली के कनैक्शन बिजली का बिल ना देने करके कटे। सो उदे वास्ते अज असी अपनी कैबिनेट के विस्तार पूर्वक विचार किया। 2 किलोवाट तक जिहड़ा कंज्यूमर है वो 53,00,000 है पंजाब दे विच, टोटल 72,00,000 कंज्यूमर है। सो लगभग 75-80% कंज्यूमर है जिहड़ा वो 2 किलोवाट दे विच विच आ जांदा है। ते मैं जो सर्वे कराया जो मैं देखिया ये जिहड़े 2 किलोवाट तक दा कंज्यूमर है ये ज़्यादा डिफॉल्टर है, इस तो बिल नहीं दे पा रहे, इन्हां दे कनैक्शन कटे गए। सो अज असी फैसला किया कि 2 किलोवाट के कंज्यूमर के 2 किलोवाट के तक के चाहे वह 1 किलोवाट लोड है चाहे वह 500 वाट लोड है चाहे 1.5 किलोवाट लोड है 2 किलोवाट तक के कंज्यूमर जिन्हें है पंजाब के जेडे कि लगभग 80% है या 75% है टोटल आबादी के, उन्होंने पिछला जो बिल आया जिहड़ा पिछला बिल आया उन्हां दा उहदे विच एक तो पिछले महीने का बिल लिखिया होया, एक बकाए लिखे भी है भी तुसीं इन्ने दे डिफॉल्टर हो। वह बकाया सारा उन्हां लोकां दा असीं भरांगे, असीं सरकार ने फैसला कर लिया सरकार उन्हां दा भरेगी। ते नाल जिन्हां दे बिजली दे कनैक्शन इस करके कट्टे गए कि जी वह डिफॉल्टर सीगे उन्हां दे पैसे नहीं जमा करा होए, उन्हां दे बिजली दे कनैक्शन दोबारे लगा दिते जाणगे बिना कोई पैसा दे। 1500 रुपया फीस है दोबारे कनैक्शन लाउण दी, उह वी उन्हां दी असीं भरांगे, उन्हां नूं कोई भरन दी लोड़ नहीं। सो मैं फिर कहना पंजाब दे विच 53,00,000 कंज्यूमर 53,00,000 परिवार जिन्हां दे बकाए खड़े है जेडे बिजली के बकाए नहीं भर पा रहे पिछले बिल तक जेड़ा उन्हां दा हुण इस तो पहला आया जदों साडी सरकार इसने हल लिया उदों तक जेडे उन्हां दे बिल आए हुए है उन्हां दे विच जिन्ने बकाए खड़े है वो पंजाब सरकार उन्हां दे भरेगी, उन्हां नूं भरन दी लोड़ नहीं है क्योंकि वह भर नहीं पा रहे क्योंकि बकाया तां खड़दा है जे उहदे समर्था नहीं है। असीं यही मापदंड रखिया है कि बकाया तां खड़ा है जे समर्था नहीं है, जिहदे च बिल भर की समर्था नहीं है उहदे वास्ते पंजाब सरकार है, उहदे वास्ते मैं, उहदे वास्ते असीं सारे जणे खड़े हैं। ते उहदे सारे बिल असीं अज पंजाब सरकार ने भरने हैं, उहनां दे अपने बिल माफ हो गए हैं। 55,00,000 परिवार है 53,00,000 जिन्हां दे 2 किलोवाट तक का लोड है साडे सरकारी फिगरां दे अनुसार। डिफॉल्टिंग किन्ने है डिफॉल्टर उन्हां दे जिन्ना कोई भी डिफॉल्टर है जे 1 रुपये का चाहे वह 5,000 का चाहे 50,000 का
ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਤਾਂ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 1-1 ਲੱਖ ਦੇ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਭਰੇਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਡ ਪਏਗਾ ਇਹ ਲੋਡ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਅਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ जेड़ा पिछला बिल आया किसी का उदे जेड़ा बकाया लग के आया वो सारा माफ किए पास बकाया ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਚ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਇੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ पुराना बकाया खड़ा है जिदे करके लोग परेशान है बिल नहीं दे पा रहे उन्होंने कनैक्शन कट गए है मेरे हल्के कंदोला टप्परिया पिंड है मैं क्यों चीज किस तरह मैं लोगों को मिले उन्होंने मैं क्या दसिया कंदोला टप्परिया पिंड है वो एक बीबी है वो एक मुंडा है मेरे पास उन्होंने 25 चक्कर ला ले पिछले 2 महीने अजे मैं मुख्यमंत्री नहीं बनिया वो मेरे पास रोने लग गए कि 70,000 रुपया बिल मैं कितने दे दवा गरीब जनानी है विधवा है मैं नहीं भर सकती मेरा बकाए आ रहे सीएम साहब इसका मैकेनिज्म की होएगा मैकेनिज्म किवें एडजस्ट होंगे ऑफिसर्स नु किवें तुसी जेडे ऐसे एक हर ब्लॉक तहसील लेवल ते कमेटी बना रहे जिदे विच एक अफसर एक सरकारी नुमाइंदा प्राइवेट रिप्रेजेंटेटिव चो ते एक उना दे नाल बिजली बोर्ड दा एसटीओ या जेई या वो अपना नुमाइंदा लगावे उन्होंने ये सारिया एप्लीकेशन दिखाई जाएगी वो ये देखेंगे कि 2 किलोवाट तक का लोड है यद बनता देना उसी टाइम वे हो जाएंगे जो दरखास्त आ गई दरखास्त के फार्म भी असी भेजा किसी से कोई लोड नहीं मदद करेंगे पंचायत मदद कर हर किसी को जिसका 2 किलोवाट का लोड है उस तो वे करने वास्ते फार्म भरवाएंगे साड़ी कमेटी देख के उन्होंने रेगुलर बिल नहीं जो इस महीने का आया वो बिल नहीं जो बकाया खड़ा सीएम साहब अगर आगे लोग बिल भरना बंद कर देंगे इन फ्यूचर जमा करा दिक्कत ना आवे इना पैसा पवे के चंगा निर्वाह कर सके इकोनॉमिकली बंदा पुअर है के वैसे नहीं पे कर रहे के भी बड़ा बड़ा इशू है एक सब तो बड़ा चेक ये है कि 2 किलोवाट इकोनॉमिकली पूरे दिन किसी ने मोटर से लाया होगा कोई मिडिल क्लास के जेडे लोग है यही थोड़ी बिजली यूज कर सकते हैं जेडे अमीर आदमी उन्होंने तो 5-5 एसी लगे हुए वो नहीं ऐसी कर रहे चेक 2 किलोवाट जी का लोड है 2 किलोवाट से काफी कुछ आ जाता पक्के आ जाते कूलर आ जाता फ्रिज आ जाता टीवी आ जाता ते कई बल्ब आ जाते हैं बिजली बिलों की गल की ट्रालियां जिहड़ियां
ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਦ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੀਫਾ ਦਿਆ ਉਹਨੇ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਜੀਪੀ ਔਰ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਦਾਗੀ ਉਹ ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਏ ਔਰ ਆਪ ਐਸੇ ਅਫਸਰੋਂ ਕੋ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਦਾਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਲੇਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆ ਹੈ, ਇਸਤੀਫੇ ਕੀ ਕਾਫੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋ ਭੇਜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਪਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਦੋ ਸਰ, ਲਾਈਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿੰਦੀ ਮੇ ਬੋਲ ਦੀਜੀਏ। ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਵੋ ਹੈਡ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਹੈਡ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇ ਬੈਠ ਕਰ ਅਪਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੇ ਬਾਤ ਰੱਖ ਕਰ ਅਪਨੀ ਬਾਤੋਂ ਕੋ ਆਗੇ ਲੈ ਕਰਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੇ ਆਜ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪੇ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੋ ਮਾਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਆਓ ਬੈਠ ਕਰ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਤੇ ਥੇ, ਆਪ ਸਾਥ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸਰ ਦੋ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਥੇ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਉਸੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬਿਹਾਫ ਪਰ ਉਨਕੋ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦੋ ਬੰਦੋਂ ਕੀ ਕਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋ ਗਏ ਥੇ, ਆਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੈਠ ਕਰ ਕੀ ਉਹ ਉਨਕੇ ਗਵੈਂਟਰ ਹੋ ਗਏ। वो भी आपसे बात करते पार्टी अध्यक्ष है, आप चीफ मिनिस्टर है, आपको अपनी बात के नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं है? कोई कोशिश नहीं है, इंटेंशनल कोई कोशिश नहीं है, तो उनको उनके साथ बात करेंगे बैठकर जो भी बात होने वाली होगी। क्या ये सीएम बना के रखना चाहते हैं? आज रजिया सुल्ताना सर मीटिंग की नहीं आ सके सीएम साहब, तोड़े सीएम बनने तो बाद जो एक माहौल पंजाब का बनया सी कि हां चलो बड़ा चंगा हो रहा है वो तो सारा खत्म हो गया एक दिन के अंदर। वो तुम महसूस करते हो कि नहीं करते? सिद्धू साहब का एक ढंग ठीक है, तुम इस ढंग नाल कहना ठीक है, कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उनका रिस्पांस दे ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛਿਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਏਪੀਐਸ ਜੋਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਵਕੀਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਟੀਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੇਸ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੇ ਸ਼ਬਾ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
पारदर्शी सारा कुछ काम होगा। जो साडे कलीग्स ने यार होर जिते सानू फीडबैक मिली केड़े-केड़े लगने चाहिए सी लगाए, लेकिन पंजाब दे लोकां दे अनुसार ही फैसले होने। जे किसे लगेगा ये नहीं ला इनू ला, मैनू कोई इतराज नहीं है, मेरी कोई ईगो नहीं है किसी भी गल दे विच, मैं बिल्कुल क्लीयर है। जिस गल दे नाल लोकां दे विच कोई दंद चर्चा गलत जाती है, मैं उस गल तो कदे कोई वजीद नहीं होने तैयार। लेकिन मेरे जो मसले पंजाब दे लोकां दे जिन्हां वास्ते मैं लड़ाई करदा आ रहा, मैं वो लड़ाई तो पिछे नहीं हटागा, एक इंच भी गुरु दे घर दे पिछे नहीं हटागा। किसी तरह की गद्दारी या किसी तरह की बेईमानी या किसी तरह की करप्शन जिन्ने देर मैं मुख्यमंत्री नहीं होगी, ये मैं बिल्कुल तुहाडे विश्वास नहीं करदा। चन्नी साहब, 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 चन्नी साहब,